हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं ये एक वर्कशीट है इस वर्कशीट के थ्रू तो आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि ज़ीरो क्या होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्कशीट दे रखी है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द एप्पल्स ऑन ईच प्लेट यहाँ पे फोर प्लेट्स दे रखी हैं और हर प्लेट में कुछ एप्पल दे रखे हैं जैसे कि पहले प्लेट में थ्री एप्पल्स दे रखे हैं तो यहाँ बच्चे को काउंट करना है वन टू थ्री और यहाँ पे आपको थ्री लिखना है ये एक्टिविटी ऑलरेडी मैंने अपने बच्चे को करा दी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं सेम यहाँ पे दूसरी प्लेट है इसमें कितने एप्पल है वन टू तो यहाँ पे टू लिखा है नेक्स्ट यहाँ एक और प्लेट है इसमें कितना एप्पल है ओनली वन तो यहाँ पे लिखा वन इन लास्ट वन इसमें एक भी एप्पल नहीं है तो बच्चे को देखना है कि जब कुछ भी नहीं है तो वहाँ क्या लिखेंगे ज़ीरो इससे बच्चे को समझ में आता है जहाँ कुछ भी नहीं है वो ज़ीरो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ हमको ज़ीरो लिखना है सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ केक दे रखे हैं हर एक प्लेट में और यहाँ पे काउंट करना है जैसे कि यहाँ वाले फिगर में दे रखा है फाइव केक हैं तो यहाँ काउंट किया और लिख दिया फाइव नेक्स्ट में यहाँ थ्री केक्स हैं यहाँ पे काउंट करके लिख दिया थ्री नेक्स्ट यहाँ पे ओनली वन केक है तो यहाँ पे लिखा वन एंड द लास्ट वन नो केक सो ज़ीरो तो इस तरीके आप वर्कशीट करा के बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सारे वीडियो मेरे देख सकें ये सारे वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह की एक्टिविटी करा के बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग हैप्पी लर्निंग